लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी वजह है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में उनका नाम आना। वहीं सलमान खान से भी उनकी दुश्मनी तो जग जाहिर है और भाईजान पर हमले में भी उनका नाम सामने आया है। इसके बाद गुजरात में क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करवाने वाले को 1,11,11,111 रुपए देने का ऑफर कर दिया, जिसके बाद हर तरफ और बिश्नोई की ही चर्चा हो रही है। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार कर्णी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं भयमुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम दूसरी वजह से चर्चाओं में है, क्योंकि उन्हें अब चुनाव लड़ने का भी ऑफर मिल गया है। जी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र चुनाव में सीट देने का ऑफर उत्तर भारतीय विकास सेना UBVS ने दिया है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद बिश्नोई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने पत्र लिखा है। पत्र में बिश्नोई को भगत सिंह जैसा बताया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर उत्तर भारतीय विकास सेना ने दिया है। पार्टी अध्यक्ष ने बिश्नोई को भगत सिंह जैसा बताया और 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात कही। गुजरात की साबरमती जेल में बंद बिश्नोई को उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने पत्र लिखा है। पत्र में बिश्नोई को भगत सिंह जैसा बताया गया है और कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव जिताने के लिए उनकी पार्टी पूरा प्रयास करेगी। सुनील शुक्ला ने पत्र में लिखा, हमारा प्रस्ताव है कि आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ें। उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपके अभियान का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम बस आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई की अनुमति मिल जाती है तो 50 लोगों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। पार्टी की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को ये ऑफर ऐसे समय पर दिया गया है जब हाल ही में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इतना ही नहीं, गैंग सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी तक दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी उम्र 31 साल है, उसने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर तब प्रसिद्धि पाई जब उसे 29 मई 2022 को पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जोड़ा गया। तब इसे गैंग वॉर का नतीजा बताया गया था। बिश्नोई 2015 से जेल में बंद है, लेकिन उसका आपराधिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।